दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार आदर्श आचार संहिता को देखते हुए वाहनों की तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जांच के दौरान 33 लाख रुपए की कीमत का सोना मिला है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार दुर्ग पुलिस द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन के तहत लगातार वाहनों की जांच के लिए शहर के चौक चौराहों पर पैनी नजर रख वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें दुर्ग पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है, जिसमें सोमनी से सोना लेकर दुर्ग आ रहा सोनार की तलाशी के बाद उसके पास से लाखों का सोना पकड़ाया। वही सोनार बिना बिल लिए सोमनी से सोने की ज्वेलरी लेकर चला था, जिसकी सूचना दुर्ग पुलिस को मिलते ही FST और दुर्ग कोतवाली पुलिस ने तलाशी के दौरान सोना जब्त किया है। वही पुलिस मुताबिक सोने का वजन 555 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 33 लाख रुपए आकी गई है, और साथ ही उस व्यक्ति के पास से पुलिस ने 59,500 रुपए नगद भी जब्त किए हैं। इस संबंध में जब उससे पूछा गया तब उसके पास से कोई उचित दस्तावेज नहीं प्राप्त हुए, जिस पर पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में दुर्ग कोतवाली TI महेश ध्रुव ने अपनी जानकारी इस प्रकार दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो है अभी आगामी चुनाव को देखते हुए FST और SST की टीम गठित किया गया है, और पूरे जिले में लगातार जो है चेकिंग की कार्रवाई चल रही है। इसी दरमियान कल रात्रि को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक नरेश सोनी नाम का आदमी है, जो अपने साथ में कुछ सोना लेकर जा रहा है, जिसके पास में किसी भी प्रकार का बिलियर सीध नहीं है। इस सूचना पर FST टीम को वहाँ पर मौके पर रेड मारने पर उसके पास से सोना बरामद हुआ। बिल प्रस्तुत करने के संबंध में उसको नोटिस दिया गया था, लेकिन इसने किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। इसके तहत में FST टीम के द्वारा जो है उसको बरामदगी पंचनामा तैयार करके जब्त किया गया है, और उसको अभी कार्रवाई की गई है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।